लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की चौथी सूची जारी कर दी गई है। इसमें 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 9 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से इमराद मसूद को टिकट दिया गया है, अमरोहा से दानिश अली को मौका मिला है, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ को टिकट दिया गया है, कानपुर से आलोक मिश्रा को मैदान में उतारा गया है, झांसी से प्रदीप जैन आदित्य को मौका मिला है, बाराबंकी से तनुज पूनिया को टिकट दिया गया है, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को मौका मिला है, बांसगांव से सदन प्रसाद को, और वहीं जहां वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस ने अजय राय को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।